नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज बरेली में। मैं हूँ आपके साथ सलोनी कश्यप। उत्तर प्रदेश बरेली शहर के वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर रामलीला ग्राउंड में आप देख सकते हैं हमारे साथ है दौरी सिंधी मौजूद, जो कि निर्दलीय खड़ी हुई है और आप इसके साथ महिलाओं का समर्थन देख सकते हैं कि काफी है, बच्चे भी हैं और साथ ही इनकी रैली है जो कि डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोटों की मांग कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि आखिर पार्षद बनने पर जनता को क्या क्या लाभ मिलेगा। नमस्कार मैम जी, जब आप मैम पार्षद बन जाते हैं सबसे ज्यादा सुभाष नगर में जल भराव की समस्या ज्यादा है, तो क्या आप उसके ध्यान में? देखिए मैम, समस्याएं ही तीन है मेन। अभी भी इंटरव्यू में मैंने यही बात बोली है कि हमारी पानी, बिजली और साफ सफाई, ये हमारा हक है, ये हमें भीख में मांगनी पड़े तो ये क्या इसके लिए शब्द यूज करूं मैं, क्योंकि हर कोई कहता है मेरी गली में कूड़ा हो गया, मेरी गली में सफाई करा दो, यहाँ पानी भर गया है, यहाँ की सड़क ऊंची है नीची है, ये तो यही तो काम है, मेन काम ही तीन है और क्या करना होता है, मुझे तो नहीं लगता। इन तीनों को तो बड़े आसानी से दूर किया जाता है और ये गलती शायद हमारी ही है कि हमने कुछ ऐसे लोगों को चुन दिया है जो हमारी ही नहीं सुनते, तो किसी का कसूर नहीं है, हमको हम अपना ही कसूर मानते हैं। और अब सब महिलाओं ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम सब महिलाएं खड़े होंगे, मैं प्रत्याशी हूँ क्योंकि सबने कहा आप बोलना जानते हो, आप आगे खड़े हो जाओ, हम सब आपके साथ हैं। आई एम एग्री है मुझसे क्या सभी? मैं नहीं खड़ी हूँ, मैं पार्षद नहीं हूँ, ये सारी महिलाएं पार्षद हैं। हर एक पर्सन पार्षद है यहाँ का, अपनी गली का विकास हर व्यक्ति खुद करेगा। आप देखेंगे अगर ये मुझे लेकर आते हैं तो आने वाले समय में जो भी पर्सन होगा अपनी गली का हर ध्यान रखने वाला खुद होगा, पार्षद सब लोग खुद है। बरेली को स्मार्ट सिटी नाम दिया गया, बिल्कुल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत क्या लगता है इस समय वार्ड हमारा स्मार्ट है? बरेली का वार्ड 21 ही नहीं, मैं अन्य वार्डों की भी बात करूँगी। देखिए अन्य वार्ड के बारे में टीका टिप्पणी में नहीं करूँगी क्योंकि बात हो रही है वार्ड 21 की, तो शब्द बोला गया है चमकता वार्ड बदलता वार्ड। आप नीचे जरा कैमरा ऐसे करके देख कर लीजिए तो कहीं आपको चमकता वार्ड और बदलता वार्ड नहीं दिखेगा। आप हमारे सुभाष नगर में एंट्री करेंगे तो वहीं से गाड़ी अप डाउन होने लग जाती है, झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही वार्ड नंबर 21 स्टार्ट होता है झटके लगने शुरू हो जाते हैं। आंखें बंद भी की होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि 21 नंबर के अंदर एंट्री हो गई है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से दूर की जा सकती है, बशर्ते कि हम फिर से कोई डमी ना ले आए। 5 साल हमने भोगा है, फिर कहीं हमें भोगना ना पड़ जाए। तो मैं अपील करूंगी सुभाष नगर की जनता से, अपने मत का प्रयोग करें, सोच समझ के करें कि कहीं कोई डमी खड़ी हो, पीछे कोई और कमांड कर रहा हो, ऐसा ना करें। सोच समझ के ऐसा प्रत्याशी को लेकर आए जो आपके लिए काम करे, विकास करे। मैं ऑलरेडी महिलाओं की प्रॉब्लम पे पिछले 4 से 5 साल से काम कर रही हूँ, अगर हमारे यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करती है तो मैं उन सारी प्रॉब्लम, जो मुझे ये प्रॉब्लम छोटी मोटी लग रही है और जितनी भी अभी मैंने फील्ड में जाके देखा है, तो मैंने उन सब चीजों को चिन्हित किया है। माँ मर गई, बाप मर गया, 12 साल की बच्ची घर में खाना बना रही है, हम अड़ोसी पड़ोसी मेरे ख्याल से 1,000 रुपया अगर इकट्ठा कर लें तो उसके घर पे छत डाल सकते हैं। ऐसी औरतें घर में रहती हैं, पति खत्म हो गया, घर में खाना बनाती है, छत किसी टाइम गिर सकती है, 4,500 कमाती है, 2,500 के किराए पे घर ले रही है, रह रही है किराए पे, और उसके लेफ्ट राइट बड़े बड़े आलीशान मकान है, तो गलती किसकी है? हमारी है, मैं किसी की नहीं कहती, हमारी है, मैं भी शामिल हूं। तो जनता विकास चाहती है, चेंज चाहती है, और एक ही मुद्दा रहेगा, विकास 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 और विकास। मैडम क्या नाम है आपका? अखिलेश गुप्ता। गुप्ता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम के लिए? गुप्ता जी यही कहना चाहेंगे कि जो भी कोई अपना मत दे सोच समझ के दे, अपने मत का प्रयोग ठीक जगह करिए। मैं नहीं कहती हूँ मुझे दीजिए, आपको जो भी सच दिखाई दे उसी को देखिए और आंखें खोलिए ये वार्ड नंबर 21 के लिए। थैंक यू, अपने दिल की आवाज को सुनिए। मैम आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? खुशी गुप्ता। आप युवा हैं और अच्छी तरीके से जानती हैं
कि लगातार बच्चियां हैं, स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है कि वो मदद कर सके। मैडम जैसी महिलाएं और भी लोग हैं जो इस फील्ड में आगे आते हैं, क्या लगता है मैम इसमें लोगों का साथ है? मैं सिर्फ डालिया आंटी जी का साथ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने जो बोल दिया तो बस वही होना है, उनकी बात बस, उसके अलावा तो वो ना झूठ बातें करती है ना झूठे काम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोरावर सिंह है और मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन इतना समय नहीं है। मैं शॉर्ट में अगर बात करूँ तो मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन जो खास खास मुद्दे हैं हमारे बीच में, क्योंकि पुलिया जो पिछले कई सालों से लोग परेशान होते आए हैं, हर हफ्ता कोई बंदा ऐसा कह दे कि मैं एक हफ्ते में बिल्कुल भी जाम में नहीं फंसा तो वो व्यक्ति में जाके मिले। हर व्यक्ति कभी ना कभी एक हफ्ते के अंदर भयंकर जाम में फंसता है और हम तो कहते हैं कि आए दिन सुबह शाम हम जाम में फंसते हैं। दूसरा, हमारी गाड़ियाँ, हम कितनी भी नई गाड़ी ले लें वो महीने भर में नहीं चलती क्योंकि इतने गड्ढे हैं, इतने खड्डे हैं, वो वहीं के वहीं दम तोड़ देती है। तो हमारे पास जिस तरीके, और हमारी लाइटें, आज हमारी जो महिला शक्ति पे काम कर रही डोली सिंह जी हैं और वो उनके पुराने समय में, अभी तो इलेक्शन में आज खड़ी हुई हैं, वो पुराने समय से काम कर रही हैं कि महिलाओं को प्रोटेक्शन दें। आप मुझे बताओ, जब लाइटें ही नहीं है, जब खंभों पे लाइटें ही नहीं है तो हमारी बताएं कहाँ से सुरक्षित होंगी? हम बाकी के प्रोटेक्शन की बात तो दूर करें, जब हमारे रात को लाइट ही नहीं है तो हम सोचो इतने बड़े विकास के बाद आज हम सुभाष नगर नियम गाँव में रह रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। तो हमारे पास जिस तरीके की चीजें हमें चाहिए वो चीजों को दिलाने की जिम्मेदारी आज हम लोगों ने अपने बागडोर संभालने के लिए डॉली सिंह जी को दी है और पूरा सुभाष नगर ने मिल के दी है। और इतना बड़ा हजूम देख रहे हैं, प्यार से आया है, तो ये सब प्यार इनके साथ क्यों है? क्योंकि इन पे सभी लोगों ने इन पे विश्वास किया है। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है शीरोस के नाम से, ये महिलाओं का संगठन है, इन सारी महिलाओं ने मिले इनको चुना है। ये लोग अपने, ये अपने आप ने नहीं चुनी, इनको सारी शीरोस ऑर्गेनाइजेशन ने चुना है क्योंकि विकास इस बार होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा और डॉली सिंह के साथ रहेगा। डॉली सिंह जिंदाबाद। तो जैसे कि आपने जाना, यहाँ विकास के दावे किए जा रहे हैं, अगर डॉली सिंह जी अगर पार्षद बन जाती है तो क्या वो इस वार्ड में विकास कर पाएंगी या नहीं? तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए।